अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। चलें जी जल्दी से आ जाएं और आप सब लोग मेरे साथ भी नाश्ता कर लें। यहाँ पर बन रही है जी गर्मा गर्म चाय और उसके साथ हम खाएंगे बिस्किट। चाय बिस्किट खाने के बाद जो हम कामों में लगेंगे ना, वो तो एक बात की ही कहानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सुकून से चाय बिस्किट का नाश्ता करेंगे। मैंने यहाँ पर अपना मग भर कर चाय बनाई, साथ में बिस्किट निकाले। मैंने कहा जहाँ करना ऐसे मज़े से रिलैक्स होकर ना नाश्ता करोगी। हाँ जे बच्चे मिले चाय तो जाते हैं, खाना भी खाते हैं, नाश्ते भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं और पीतों के साथ मस्तियाँ भी करते हैं। ये जो मस्तियाँ करते हैं हनान, हनान सुबह सुबह उठ जाता है, जब फूफा उठती है फिर हनान भी उठ जाता है। ओ तेरी खैर, ये दो बंदर ना सुबह सुबह उठ जाते हैं, एक ये और एक वो। अल्लाह मेरा हनान का घर है। हाँ का घर है। हाँ फूफा है, फूफा कब उठती है हनान को, फूफा कब उठती है हनान? उसके बाद जी मैं चल पड़ी थी बाजार की तरफ। आज ना मैंने एक और अलग सी ही मार्केट का विजिट करना है और आप लोग को भी जा करना है, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग परचेजिंग कर रहे थे अजरक वगैरह की, सिंधी चादरें, अजरक। आज ना हम लोग इस वाली मार्केट में गए थे जहाँ हम लोग को हर तरफ कल्चरल मटेरियल और कल्चरल चीज़ें मिलती है ना, लाइक कपड़े हो गए, चादरें हो गई, बेडशीट्स हो गए, तकिए के कवर हो गए, या इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो हम लोगों को करना था अपना पेज अपडेट। तो फिर मैं खुद ही गई थी और अपनी फ्रेंड के साथ और मार्केट विजिट की थी और देखा था कि यार कौन कौन सा मटेरियल कैसा है और किस में बहुत ज़्यादा नीटनेस है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा अपने पेज पर अपडेट करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पर ना हम लोगों ने सारी मार्केट का विज़िट किया और देखा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग को स्किप करनी थी और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग को ऐड करनी थी। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, ये सारे हैं लॉन के। अगर आपको लॉन के कपड़ों में ये वाले कलर और ये वाली डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर ना दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो मैं आप लोग को आगे की वीडियो में चलकर दिखाऊंगी। उसमें है सिंधी चादरें, अजरक, दुपट्टे और तकिए के कवर, पंखे, इस तरीके की सारी चीज़ें। प्राइजेस बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको आपकी मर्ज़ी के मिलेंगे, मतलब जैसे आप कहेंगे ना रीज़नेबल, तो वैसे वाले मिलेंगे। और इसके अलावा ना ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं, इनकी प्राइस जो है ना वो डिपेंड करती है काम पर। जितना हैवी गला और दामन होगा उसकी प्राइस वैसे होगी, अगर सिर्फ दुपट्टे पर काम होगा उसकी प्राइस वैसे होगी। मतलब ये जो पैसे हैं ना इनके, ये इनके मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। लॉन काफ़ी अच्छी थी, हम लोग ना वो देख रहे थे, अक्सर ऐसे होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े कि कपड़ा ना जल्दी से फट जाता है, तो वो वाले देख रहे थे कि जिनका फैब्रिक बहुत अच्छा हो और फटे ना, लॉन अच्छी हो, अगर कॉटन का फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है तो कॉटन अच्छी हो। इसमें मैं आपको कलर बता देती हूँ कि आपको 12 कलर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं जी हम चादरों की तरफ। ये वाली जो चादर है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको जूम 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 कर दिखा रही हूँ, वो इसलिए अगर कोई लेना चाह रहा है ना तो उसको ना ये सिलेक्ट करने में मुश्किल ना हो कि यार ये लें या हम नहीं लें, क्योंकि जब जूम कर दिखाऊंगी ना बिल्कुल करीब करीब से तो उनको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ है और हम लोग को ये लेनी चाहिए या नहीं। ये भी तकरीबन 3 मीटर की लेंथ में, विड्थ कह रही थी, 3 मीटर की लेंथ में चादर थी, काफ़ी अच्छी और फुल भरी हुई, चारों तरफ इसके काम था। और इसमें कलर जो हमारे पास अवेलेबल है ना वो ये देख लें, तकरीबन 6 कलर हमारे पास अवेलेबल थे और फिर बाकी जो कलर थे ना वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में थे। इस डिज़ाइन में हमारे पास 6 से 7 कलर अवेलेबल थे उस वक्त, और अब जैसे आपको पता है कि हमारा जो मटेरियल है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो अपडेट में जो जो कलर रिक्वायर होते हैं वो भी आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम। उसके अलावा ये जो है ना, ये वाली चादर बहुत प्यारी लग रही थी देखने में, और इसका कलर ना दूर से ब्लैक लग रहा है लेकिन ये ब्लैक नहीं था, ये रॉयल ब्लू था, सी ग्रीन कलर के बेस के ऊपर रॉयल ब्लू कलर का इन्होंने काम किया हुआ था। और ये वाली एम्ब्रॉयडरी तो हर किसी को पसंद है, और मुझे जो चीज़ सीखने को मिली ना यहाँ पर, इसको कहते हैं टुक वाली एम्ब्रॉयडरी। अब आ जाते हैं जनाब हम लोग चुनरी वाले सूटों की तरफ। चुनरी वाले सूटों में भी ढेरों ढेर कलेक्शन थी, कलर आप कोई भी बता दें और उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वाले लेने हैं या आपने सादे लेने हैं वो भी बता दें तो आपको उस हिसाब से वो चीज़ मिल जाएगी। और इनमें ना पैचेज होते हैं कि आपको 5 पैच वाला चाहिए, 7 पैच वाला चाहिए, या जिस तरीके से चाहिए वो।
और ये जो पहले मैंने आपको चादर दिखाई ना, उसको मैं थोड़ा सा और करीब कर दिखा रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और इसके कलर जो है ना वो मेंशन कर रही हूँ। और इसी ही सेम एम्ब्रॉयडरी में आपको फुल फुल सूट भी मिल जाएंगे, अगर आपको सूट चाहिए तो सूट मिल जाएंगे, और अगर आपको चादर चाहिए या दुपट्टा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप लोग को क्या चीज़ चाहिए। जो इसका पांचा है ना, उसके ऊपर भी कढ़ाई हुई हुई थी, इसी कपड़े के साथ ही डिज़ाइनिंग की हुई थी। और इसके अलावा ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये हैं पिलो कवर, और पिलो कवर के भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, मतलब आपको जिस कलर में चाहिए ना आप कलर बताओ, उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी जो है वो चेंज होगी, और थोड़ा सा ये है कि फ़र्क होगा चीज़ में। अगर आपको मिरर वाले चाहिए तो वो भी होंगे, और अगर आपको सादे कढ़ाई वाले चाहिए तो वो भी होंगे। कुछ के किनारों के ऊपर लैस लगी होती है और कुछ के किनारों पर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे खोल खोल कर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे डिज़ाइन बने हुए थे इन पर। जैसे अब ये देखें, जो पहले आपको दिखाया उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, फिर दिखाया उसका डिज़ाइन डिफरेंट, और अब इसका ये डिज़ाइन है। मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स में डिज़ाइन और जो प्रिंट है ना वो चेंज होता जाता है। और इसके अलावा ना इसमें जो बेसिक कलर होते हैं, जैसे हम कहें हमारे पास ग्रीन, येलो, रेड, मरून, इस तरह के शेड होंगे, और फिर फूल वगैरह आप बड़े बंच वाला चाहें छोटे बंच वाला चाहें तो वो डिपेंड करता है। प्राइजेज़ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है बड़े और छोटे बंच वालों की, मतलब मिलती जुलती ही हैं, बहुत ज़्यादा ना हाई है ना लो है, मुनासिब सी हैं। और इसमें कलर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे कलर अवेलेबल हैं। मुझे ऐसा लगता है इनमें ना सारे चूज़ों वाले कलर हैं, मतलब जो चूज़ों को कलर दिए हुए थे ना वो वाले कलर हैं, बेसिक जो होते हैं वो। इसके अलावा हमारे पास ना ब्लू कलर में भी अजरक अवेलेबल है, और लेंथ विड्थ जो भी है ना वो डिफरेंट होती है हर अजरक की। जितने बड़े साइज़ वाली आप लें या छोटे साइज़ वाली लें, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉलर पर डालते हैं अजरक, और अक्सर लोग होते हैं जो फैला कर डालते हैं। तो बड़े और छोटे दोनों साइज़ की अजरक और कलर आपको ब्लू और मैरून दोनों मिल जाएंगे। और फैब्रिक भी आपको लेलन की चाहिए, कॉटन की चाहिए, या जो भी चाहिए आपको वो भी बताना पड़ता है कि हमें ये वाली चाहिए। इसमें हाई लो क्वालिटीज़ भी हैं। और इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी कलेक्शन इनके पास अवेलेबल है। और ऑर्डर करने का तरीका एक बार फिर बता देती हूँ कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और उनको बताएं कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। वो आपका ऑर्डर देखेंगे स्क्रीनशॉट, और वहाँ से आपको जो भी आप चीज़ चाहिए होगी वो डिस्पैच कर देंगे, और प्राइसेस वगैरह फिर वो आपको आगे गाइड कर देंगे। ये जी हाथ वाले पंखे, जैसा कि गर्मी और हम इनको तो स्किप कर ही नहीं सकते। वैसे ज़्यादातर ये वाले पंखे जो है ना शादियों में गिफ्ट दिए जाते हैं दुल्हनों को। और इसके अलावा एक और जो प्रोडक्ट है ना, ये तकिए शादियों में गिफ्ट देने के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट चीज़ है, दिखने में काफ़ी वो कल्चरल और ट्रेडिशनल से लगते हैं। को देख के ना ऐसे क्यूटू सी लुक आ रही थी ना, ऐसे पॉपअप होकर आ रहे थे कलर देखने में, इतना मतलब ये कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर रहा जितने देखने में, इतने शाइन शाइन से कर रहे थे। पिंक कलर के ऊपर ना ये वाला गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी तो और ज़्यादा पॉपअप होकर आ रही थी। अब देखे जी ये मेहरून, मैं दिल में सोच रही थी कि जो ये मेहरून तकिए लगा लेंगे फिर अगर वो बैठेंगे तो उनके तो बाल फंस जाएंगे इस पे, मगर खैर जो लोग यूज़ करते होंगे उनके लिए पता होगा उनको कि कैसे होता है। आज तक हमने कभी यूज़ नहीं किए ये एम्ब्रॉयडरी वाले, फेस पे भी चुभेंगे ना।